जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का, फिजिकल की डेट आपकी आउट हो गई है, तो आशा करता हूँ कि जिन बच्चों का नंबर आया है, जिसमें कि 9 गुना बच्चे लिए गए हैं, 655 वैकेंसी थी ये, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम सुनहरा अवसर है। परंतु अपना जो है फिजिकल बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि फाइनल मेरिट में हमका नंबर अपना देखने को मिले। क्यों कि अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, वो बेकार हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन आपका इसमें ही क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार की भर्ती में इसको क्वालिफाई बच्चे नहीं कर पाए और 130 सीट यहाँ पर खाली चली गई। ठीक है दोस्तों, तो 9 गुना बच्चे लिए गए हैं, खैर आपके सीट तो भर जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, परंतु आपको अपनी सीट पक्की करनी है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बार इतना मेहनत से फिजिकल करेंगे। और ये भी अच्छा है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, 20 मार्च से आप लोगों का फिजिकल है। तो दोस्तों कुछ बच्चों का कंफ्यूजिंग था कि सर वेट, कुछ हमारी गर्ल्स जो हमारी बहनें हैं, और उनका कमेंट था कि क्या इसमें जो है सर हमको भी वेट लेके दौड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहूँगा, पहले मेल की बात कर लेता हूँ। आप लोगों का जो है 25 किलोमीटर की रेस 4 घंटे हैं आपके पास में, और 10 kg वेट, 10 kg वेट के साथ में। ठीक है दोस्तों, 10 kg वेट के साथ में आपके 4 घंटे में करनी। अब अपनी बहनों की बात कर लेते हैं, तो 14 किलोमीटर की रेस और घंटे हैं 4, और वेट जो है कोई नहीं, वेट एकदम कुछ नहीं, वेट की आपको ज़रूरत नहीं है, वेट नहीं है आपका, आपका जो वेट नहीं है, वेट है नहीं, तो आप इस बात को समझ लें। आपको खाली बस चलना है, क्यों हम इसका नोटिफिकेशन रीड किए हैं, नोटिफिकेशन में कहीं भी आप लोगों का वेट का जिक्र नहीं किया है। तो अपना अब समय ज़्यादा नहीं है, आज आपकी तारीख हो गई है 1 मार्च, 1 मार्च, और आज जो है नोटिस आ गया है। तो हमारे पास में मिला जुला के 18 दिन हैं, और 18 दिन में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो लास्ट के दिन होते हैं, 3 दिन, 3 दिन आप पहले प्रैक्टिस बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब 17 तारीख तक ही प्रैक्टिस करेंगे, 17 तारीख के बाद बंद कर देंगे प्रैक्टिस। क्यों कि हमारे बॉडी को रिलैक्स चाहिए। और आप यकीन मानिए, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि लास्ट डेट तक नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 दिन पहले रेस बंद कर देनी चाहिए, शरीर को रिलैक्स दे देना चाहिए। तो आपके पास में मिला जुला कर 15 दिन का समय है, और इस 15 दिन में इतनी जान झोंक दीजिए कि अपना सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों नौकरी का मौका बार बार नहीं आता है, और यही कुछ लोगों को ही, चुनिंदा लोगों को ये पल मिलता है कि वो लोग फिजिकल के लिए जाते हैं, वरना तो कितने बच्चे धड़ाम हो जाते हैं इसी में पेपर में, क्योंकि पेपर के बाद ही आप लोगों का फिजिकल का मौका मिलता है। वो बच्चे जो है फिजिकल तक नहीं पहुंच पाते। उन बच्चों से पूछिए, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। और अपने सिलेक्शन लेकर अपने माँ बाप का, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए, और मेहनत इतनी कर दे, यही 15 दिन हैं। बिल्कुल खाने पीने में थोड़ा एनर्जी रहिए, क्योंकि अब एनर्जी की रेस में ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मौसमी का सेवन करें, मौसमी हो गए, और इधर अपना बादाम हो गए, चना हो गया, मूंगफली हो गई, ये चीजों का सेवन करें। सुबह में शाम को भिगा दें, सुबह में इनको खाएं, और मेहनत कर दें एकदम। और टिप्स और कुछ नहीं है, कुछ बच्चे पूछे थे सर रनिंग के लिए टिप्स क्या। देखो टिप्स ऐसा कुछ नहीं, हम फिजिकली ये चीज तो हमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ग्राउंड में जाकर मेहनत करेंगे, वहीं पता चलेगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों का फिजिकल 20 मार्च से जो है स्टार्ट है, 20 मार्च, 20 मार्च से, और जो है ये लखनऊ में है, लखनऊ में आपका जो फिजिकल है तो बहुत बढ़िया है, और वहाँ जो है ये आपको दौड़ाएंगे, तैयार रहिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या मोबाइल वगैरह ले आ सकते हैं इसमें, जब इसका फिजिकल होगा। जी बिल्कुल, आप मोबाइल ले आ सकते हैं, अपना बैग ले जा सकते हैं, उसमें वेट भी भर कर ले जा सकते हैं। 10 किलो के मैं बताया था उस दिन, मैं कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसके कुछ वेट वगैरह कैसे ले जाएं, तो मैं बता देता हूँ। ये आपका बैग है, कैरी बैग ये हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है इस प्रकार के पाउच आते हैं, जैसे कि चीनी चल रही है ना आजकल, ऐसे पाउचों में 10 पाउच में आप भर लें,
तो ये आपके बैग में ऐसे रख जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके। तो क्या होगा, आपका वेट अगर ये हम बैगों में नहीं करते हैं, तो वेट एकदम जैसे बैग है तो बैग की तली में ही सारा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ एकदम पीठ पे लगने लगेगा। 10 किलो वेट आपको लगेगा, जैसे क्या 20 किलो वेट है। जब ज़्यादा समय, जब आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेस कर लेंगे, तो ये वेट का वेट जो वेट है 10 किलो, ये आपको ज़्यादा लगने लगेगा। समझ गए? तो इस वेट को कम करने के लिए यही उपाय है कि ये पूरे बैग में भरा रहे ऊपर तक। तो ऐसा बैग लें, छोटा बैग लें, ज़्यादा बड़ा बैग लेने की जरूरत नहीं, छोटा बैग ले लें, जिसमें क्या एक पैकेट वाइज एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दें, 10 पैकेट करके, या 5 पैकेटों में 2-2 किलो करके बालू भर लें और रख लें और अपना लेके जाएं बिल्कुल वेट। और मोबाइल वगैरह आप इसमें चला सकते हैं, रनिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी प्राइवेसी लीक का कोई वो है नहीं, तो आराम से आप जो है ले आ सकते हैं। दोस्तों वे हम बताए भी थे, हम उस दिन लाइव में थे, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका फिजिकल कब से होगा, तो दोस्तों हम बताए थे 20 मार्च संभावित है, और देखो आज उसी का नतीजा है कि 20 मार्च से आप लोगों का फिजिकल शुरू हो गया है। तो बिल्कुल लग जाइए मन से, और कल हम आपको एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको दौड़ना है। हमारे कुछ भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास हम जाके आपको वीडियो बना के दिखा देंगे, और कैसे वो वेट लोके लेके दौड़ रहे हैं, पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।